दोस्तों, वैसे तो पुलिस वालों की नौकरी बड़ी सम्मान और जिम्मेदारी की होती है, लेकिन आज हम आपको फिर से कुछ ऐसे पुलिस वालों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी हरकतें देखने के बाद आपको उनका सम्मान करने का दिल तो करेगा लेकिन गालों पर। देश भर में मौजूद कुछ नाकारा और बेशरम पुलिस वालों के करतूतों से आपको रूबरू करवाने के लिए आज हिंदी काउंटडाउन आपके लिए लेकर आया है शेमलेस पुलिस ऑफिसर्स का पार्ट 7। और बात करते हैं उन दरोगा साहब की जिनकी नजरों में भूतकाल दिखता है, क्योंकि सोनभद्र के थाने में जब 3 बार लोग एक बाइक चोरी की रपट लिखवाने आए तो दरोगा जी ने बस भीड़ देखकर डिक्लेयर कर दिया कि रात में सारे नशे में चूर थे इसलिए उनकी बाइक चोरी हो गई। और जब युवक इस बात की सफाई देने लगा कि वो लोग दारू पीते ही नहीं है तो दरोगा जी ने इन्हें भगा ही दिया। आप लोग कैसे सर? मधुपुर से कल रात को 2 बजे बाइक चोरी हुई है। तुम्हारी भी हुई है? नहीं सर, हमारी नहीं है, बगल के ही है भाई साहब। हाँ, उन्हीं का। सब लोग पैरवी में आए हो क्या? नहीं सर, पैरवी में नहीं आए हैं। और सर बस बोले साथ को चले। अच्छा, सबका नाम जरा नोट करो। ए, जितने आए हैं मोटरसाइकिल पैरवी में सबका नाम नोट करो। तो दारू पी करके आज सो जाओगे तो मोटरसाइकिल नहीं चोरी होगी? सर देखिए सर, ये गलत बात है। हाथ निकालो। क्या गलत बात है बताओ? सर दारू हम लोग नहीं पीते हैं सर। तुम हैं? दारू नहीं। तो तुम्हारी हुई है चोरी? चोरी नहीं हुई है सर। तो सर अगर साथ में आ गए तो ये कौन सी बात नहीं? क्यों साथ में आ गए? पोस्ट ऑफिस है कि चलो डाक डालना है उसमें? सर अगर कोई घटना घटती है तो अगर चल बाहर जो डिफिनेशन मत समझाओ, चलो बाहर, चलो जाओ बाहर। ओके सर। डिफिनेशन मत मुझे समझाओ, कोई घटना होती है तो पूरा गांव भर आ जाओगे बताने मुझे। थैंक यू सर। ऐसी अभद्रता को देखने के बाद ऐसे भ्रष्ट दरोगा की वर्दी नोच लेने का मन करता है। 23 साल के मुकेश यादव ने गाना सुन लिया था, जॉब सरकारी ओ का काम रिस्की, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। फिर क्या था जनाब, बन बैठे फर्जी दारोगा। साहब का घर गाजियाबाद में था लेकिन वर्दी का रौब झाड़ने और उगाही करने ये स्पेशल फिरोजाबाद आते थे, जहाँ एक बार इनके पेट के उतार चढ़ाव और पेंट की जीप की दयनीय स्थिति को देखकर किसी ने पूछ लिया, जनाब कहाँ पोस्टेड हैं जो इतने हष्ट पुष्ट दिख रहे हैं? फिर क्या था, इनकी चोरी पकड़ी गई। पूछने पर बताया कि केवल टोल टैक्स का पैसा बचाने के लिए थानेदार का भीष धारण तो कर लिया, लेकिन बेचारे अपने 150 किलो के वजन वाले पेट से हार गए और धर लिए गए। सुनिए आप भी। इंस्पेक्टर कब भर्ती हुए थे तुम? नहीं हुए। फिर तुम वर्दी क्यों पहन के चलते थे? वर्दी पहन के नहीं जा रहा था। क्या करते हो, कार क्यों रखते थे इंस्पेक्टर का तुम? का टोल टैक्स के लिए। टोल टैक्स बचाने के लिए। इस पुलिस वाले का तो लगता है दिन ही खराब था। लखनऊ पुलिस का ये पुलिस कर्मी बीच सड़क में उपद्रव मचा रहा था और लोगों को परेशान कर रहा था, ये बोलते हुए कि वो समाजवादी पार्टी का है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समाजवादी पार्टी का किसका हो? मैं समाजवादी का हूँ। आप एक सरकारी नौकर हो, भले हो लेकिन मैं समाजवादी का हूँ। मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं समाजवादी का हूँ। यादव समाजवादी। लेकिन सबसे खराब किस्मत तो उस फरियादी की रही होगी जो दफ्तर गया तो रिपोर्ट लिखवाने था, लेकिन मथुरा थाने के सब इंस्पेक्टर मवासी लाल ने उसे शायरी सुनाने के लिए बैठा दिया और जो बेचारा आया अपनी फरियाद लेकर था वो इरशाद करने के चक्कर में फंस गया। लगे हाथ इनकी एक शायरी भी सुन लीजिए और कमेंट में बताइए कैसी लगी। ये पत्थर दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या बात है वो बात नहीं समझती। तना तना चांद सितारों के बीच, तना तो चांद सितारों के बीच में है मगर ये रात चांद की तकलीफ नहीं समझती। वैसे तो पुलिस अपराधियों को बड़ी सख्ती के साथ ले जाती है, लेकिन पैसे वाले अपराधियों के ऊपर ये नियम बदल जाता है, क्योंकि जिस तरह से ये अपराधी पुलिस वाले के कंधे पर हाथ डालकर जेल जाता हुआ दिख रहा है,
ऐसे लग रहा है मानो बगल में पुलिस वाला नहीं कोई लंगोटिया यार घूम रहा हो। ऊपर से पुलिस वाली पूछने पर धौंस दिखा रही है कि ले तो जा रहे हैं ना। वीडियो क्यों बना रहे हैं? भाई तू बात करो, एक्शन लो ना उसपे। ले तो जा रहे हैं ना उसको। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आज से 4 साल पहले जब एक छात्र जो कि साइको बाबा नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाता है उनका चालान हुआ और उसके सामने से निकलने वाले सीट बेल्ट न पहनने वाले लोगों का चालान नहीं हुआ तो वो भी खिसिया गए। जिसके बाद जब उसने कैमरा खोला तो पूरी दुनिया को पता चला कैसे लेडी SHO बिना वर्दी के ही लोगों का पक्षपात करके चालान काट रही थी, जबकि बिना वर्दी और चालान बुक के किसी भी पुलिसकर्मी या ट्रैफिक पुलिसकर्मी को चालान काटने का अधिकार नहीं होता। तमाम पुलिस वालों के बीच इस लड़की की बहादुरी को सलाम। अच्छा जी, ठीक है, ये पार्शियलिटी है हमारी हिमाचल पुलिस की। मैम आपका नाम जान सकता हूँ मैं? 2 मिनट मैम, आपका नाम जान सकता हूँ? नाम जान सकता हूँ? प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, एक्चुअली RTI के तहत आप सब कुछ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये बात है सर, कर रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने बोल क्यों रहे सर? मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना कर रहे हैं। यू डू योर जॉब, आई विल डू माई जॉब। सर क्या कह रहे हैं आप? अब क्यों नहीं काट रहे आप चलान इनके, बताइए मेरे को, जवाब चाहिए। मेरा हो गया बिलासपुर के, ठीक है? ये वीडियो में यूट्यूब में जाएगी अभी, ठीक है? मेरा चलान हो रहा है, बाकियों का चलान नहीं हो रहा है। हाँ क्यों? मेरी सीट बेल्ट नहीं है, बाकियों की सीट बेल्ट है। जो विदाउट सीट बेल्ट है उनका तो करिए मैम आप। बच्चों को लूटेंगे, आप इधर देखो, बच्चों को लूटेंगे। अब जिनकी अप्रोच है उनकी गलती, मेरी क्या गलती है? ये है बात। हरियाणा पुलिस का ये पुलिसकर्मी नाके के दौरान दारू पीकर ड्यूटी पर तैनात था। लोगों ने देखा तो आपत्ति जताई, लेकिन फिर भी वो मना करता रहा और कहता रहा मेरा मेडिकल करवा लो। सावधान विश्राम करवाया गया तो इनका रिएक्शन टाइम और पोजीशन देखकर बच्चा भी बता देता कि इन्होंने पौवा पिया है या बोतल। सुनिए आप भी। तमीजी कर रहे हैं, फुल नशे के अंदर हालत में है आप? मैं बिल्कुल भी शराब नहीं पी रही। शराब पी लिया हुआ है? आप बिल्कुल मेरा मेडिकल कर सकते हो। गाड़ी में से बोतल मिल जाएगी, अभी गाड़ी में से मिल जाएगी इनके। यहाँ नक्का लगा था, जिस बात का नक्का आपसे खड़े नहीं होते बन रहे आप, मिल रहे हैं? रोशनी छोड़िए, रोशनी छोड़िए, इधर खड़े होइए। सावधान जवान, सावधान विश्राम, सावधान विश्राम, अबाउट टर्न। आप क्या कर रहे ये रहे पूरे। बिहार के इस वीडियो में जब किसी VIP की गाड़ी निकलने के लिए सड़क खाली की जा रही थी तो पुलिस ने किसी और पर धौंस नहीं दिखाई, लेकिन जैसे एक गरीब रिक्शा वाला रास्ते पर दिखा तो जनाब के अंदर का दबंग जाग उठा और उस पर डंडा बरसा दिया। उत्तर प्रदेश में ये पुलिसकर्मी पान वाले पर सिर्फ इसलिए भड़क गया क्योंकि इसके पसंद की तंबाकू उसके पास नहीं मिली तो ये दुकान बंद करवाने की धमकी देने लगा। तंबाकू नहीं हो, हम तंबाकू लेने जाने के लिए खाली एक पैकेट एक पुड़िया। अब तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं, हम विधायक जी से बताएंगे, इंस्पेक्टर साहब से बताएंगे, विधायक से बताएंगे, सुबह जाएंगे चल के अभी बंद कर देंगे, तुम अभी बंद करके जाएंगे। गुजरात के राजकोट पर ये नव नियुक्त पुलिसकर्मी तो बेचारा टिकटॉक बनाने के चक्कर में निलंबित कर दिया गया। इस वीडियो में ये नौजवान यूट्यूबर आदित्य जब अपने बगल से चलने वाली 2 महिला पुलिसकर्मियों को हेलमेट लगाने की हिदायत देता है तो महिला पुलिसकर्मी उल्टा उस शख्स को ही गाली दे देती है। मैडम आप लोग भी हेलमेट पहन लिया करो, आप लोग भी हेलमेट यूज किया करो, हम तो यूज करते हैं। यूपी के झांसी में जब फरवरी 2016 में कुछ लोग CCTV कैमरे की फुटेज लेकर बाइक चोरी की रिपोर्ट लिखाने गए तो पता चला कैमरे में जो व्यक्ति बाइक चुराता दिख रहा है वो खुद ही एक पुलिस वाला है। भैया इत्तेफाक हो तो ऐसा। मई 2015 में मुरादाबाद की पुलिस एक मानसिक रूप से अस्थिर महिला को अस्पताल लाते हुए इतना थक गई कि इमरजेंसी वार्ड में उसी को नीचे फर्श पर सुला दिया और खुद आराम से बेड पर कब्जा करके मजे की नींद ले डाली।
ऐसे ही लखनऊ में जनाब लाए तो मुजरिम को जेल की हवा खिलाने थे, लेकिन महाशय थाने में उससे पैर दबवा कर खातिरदारी करवाने लगे। बाद में जब उनका वीडियो वायरल हुआ तो पता चला महोदय हेड कांस्टेबल होने के बावजूद वर्दी पर दो सितारे लगाकर घूम रहे थे, यानी इनकी वर्दी भी अवैध थी। और फिर जैसे इनका वीडियो वायरल हुआ तो उच्च अधिकारियों ने इन्हें सस्पेंड करके सीधा घर ही भेज दिया। इस तरह की तस्वीर हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और दुर्भाग्य से अहमदाबाद में ऐसा फिर देखने को मिला, जब वर्दी का फायदा उठाकर पुलिस वाला महिलाओं पर कई बार हाथ डालने की कोशिश करता हुआ रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह आज से 8 साल पहले उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक शैलेंद्र शुक्ला नाम का पुलिस कर्मी तो नशे की हालत में गन पॉइंट पर बार डांसर को जबरन नचवा कर उस पर 30,000 के नोट बरसाते हुए भी कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। यही नहीं, उसने वहां बैठी जनता पर भी गन से रौब जमाया था। लेकिन ये ऐसा इकलौता वाकया नहीं था, क्योंकि गोंडा में लाल ड्रेस पहने इस बार बाला पर नोट उड़ाते हुए दिखने वाला ये नशे में धुत पुलिस ऑफिसर भी यूपी पुलिस का ही है। March 2022 को होली के अवसर पर कपड़े उतारकर नाचते हुए लखनऊ हजरतगंज कोतवाली के इन पुलिस कर्मियों का वीडियो जब वायरल हुआ तो समाज दो हिस्सों में बट गया। वीडियो में सारे पुलिस वाले कपड़े उतारकर लौंडिया लंदन से लाएंगे जैसे भोजपुरी गानों पर डांस करते हुए होली समारोह एंजॉय कर रहे थे, लेकिन विपक्षी पार्टियों को इसमें दिक्कत होने लगी और वो इस बात से सरकार पर निशाना साधने लगे। जहां कुछ लोगों ने भी पुलिस वालों पर सवाल उठाए, वहीं कुछ ने उनका समर्थन किया और बोले वो भी इंसान है, उन्हें भी खुशी मनाने का हक है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ इसी तरह यूपी के हरदोई में नशे में धुत दरोगा सीधा सड़क के बीचों बीच दूसरे क्षेत्र में जाकर चेकिंग के नाम पर अभद्रता करने लगे, और जब इनके सहकर्मी मामले को संभालने के लिए आए तो ये उल्टा उसी पर हावी होने लगे। बाद में इनको पकड़ कर ले जाया गया और सस्पेंड कर दिया गया। आइए आपको यूपी पुलिस कर्मी को नशे की हालत में सोते सोते दुकान की रक्षा करते हुए दिखाते हैं। मोबाइल भी पड़ा वैसे तो भारत की औरतें सब्जी की दुकानों पर मोल भाव के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस फुटेज में तो ये महाशय तो ट्रैफिक पुलिस के साथ की रिश्वत का मोल भाव करते देखे गए। बताओ क्या क्या देखना पड़ रहा है भाई। हमको जल्दी काम कीजिए, आने सर को बुलाएंगे। हम देते हैं खुदरा, आपको नहीं है तो हम खुदरा देते हैं, दो गो हम लेंगे, पैसे नहीं लेंगे जी। नहीं दो गो हम देते हैं खुदरा आपको, हम काट करके आपको देंगे, दो गो लेंगे हम। जल्दी विलम्ब नहीं कीजिए, लीजिए ना सर, लाइए ना, मुझे खाइए मत, इस तरह से काम नहीं होता, ले लीजिए, लाइए। एक महिला ने जब स्कूटी पर ट्रिपल सवारी बैठाकर नियम तोड़ती इन महिला पुलिस कर्मियों को जब रिकॉर्ड करते हुए सवाल किया तो ये खुश तो ऐसे हो रही हैं जैसे इन्होंने कोई जोक सुन लिया हो। इस तस्वीर में आपको उन पुलिस वालों का बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करने पर चालान भरने से भागते हुए देखेंगे, जो खुद कानून तोड़ने पर दूसरों का चालान करते हैं। ये सर यहाँ से भी नहीं आए, सेकंड क्लास गेट से बाहर नहीं आए, फर्स्ट क्लास से आए।
टिकट है नहीं इनके पास, रेल में सफर फ्री का चाहिए, सीट चाहिए इनको पुलिस वालों को। बिना टिकट लगा दीजिए सर, पर्ची लगा दीजिए 1,000 रुपए की इनके ऊपर। इधर जब टीटी ने दरोगा से टिकट पूछ ली तो उल्टा वो उसे गालियां देने लगा। स्टाफ है मेरा, आपने कहा स्टाफ सभी लोग बताते आगे, सिविल में भी सब बताते आगे, आपके पास पासपोर्ट है आप दिखा। कुछ इसी तरह पंजाब पुलिस का ही ऑफिसर तो नशे में इतना धुत पाया गया कि वर्दी को शर्मसार करते हुए महोदय खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, उल्टा खेत में लौटते दिख रहे थे। ऐसे ये पाजी भी जालंधर में इतना पी लिए कि किसी भी अनजान के घर उसके बिस्तर पर लेट गए, और जब उनके साथी ने ले जाने लगे तो भाई साहब शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा मोहल्ले वालों को ही गालियां देते हुए देखे गए। बाकी ये जनाब तो सबसे परम निकले, जो हथियार साथ होने के बावजूद इतना पी लिए कि खुद नाले में जा गिरे और राइफल बगल में। फिर यही पुलिस वाले बोलते हैं बदमाश इनसे हथियार छीनकर भाग गए। वैसे आपके हिसाब से इन भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा।